प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस कमेटी द्वारा उपवास एवं धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस ने गैस की टंकी रखकर प्रदर्शन किया। शहर के दो स्थानों गांधीनगर तथा गांधी उद्यान में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन एवं उपवास में कांग्रेस जन उपस्थित थे। कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान ने कहा, आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में आज विरोध दिवस के रूप मनाया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो कृषि बिल जो लाए हैं उसका विरोध संपूर्ण देश में हो रहा है। और आज गैस की टंकी के भाव आप देख लीजिए, एक महीने में 50-50 रुपए करके दो बार बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल और डीजल में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। इसके विरोध स्वरूप आज कांग्रेस द्वारा मौन प्रदर्शन कर उपवास रखकर आज अपना विरोध प्रकट किया जा रहा है। और पूरे भारत में आज सरकार की जो विरोधी नीतियां हैं उनका हम पुनजोड़ विरोध करते हैं और हम शासन से मांग करते हैं कि वे अपने निर्णय को वापस लें, अन्यथा विरोध प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। पूर्व पार्षद मुबारक खान ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार रखा गया है, जिसमें पेट्रोल और गैस की जो मूल्य वृद्धि है उसके खिलाफ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। हम ये देखें कि जब हमारे मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, जब डीजल पेट्रोल जहां 55 से 60 रुपए लीटर मिलता था, आज वही 90 रुपए क्रॉस कर चुका है। तो महंगाई इस कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों की कमर तोड़ रही है, जिसमें आप प्याज के भाव देख लें, पल्सेस के भाव देख लें, मीठे तेल के भाव देख लें, हर तरीके से आम जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठगे जा रही है और परेशान किए जा रही है। तो इसलिए हम लोगों ने आज ये जागरूकता अभियान चलाया है कि महंगाई जो आज जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन साहब की, उस टाइम क्या भाव थे और आज के क्या भाव हैं, आगे क्या कहता है, आगे क्या रहेगा, आगे जो भी निर्देश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आएगा उस तरह से हम आंदोलन करेंगे और रोडों पर उतरने की आवश्यकता पड़ी, जंगी प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ी तो वो भी करेंगे। मटर और प्याज की उपज ने जाम की स्थिति पैदा कर दी है। पावर हाउस रोड स्थित कृषि उपज मंडी में मटर की बम्पर आवक से शाम को जाम लग जाता है। पावर हाउस रोड पर सिटी फोर लेन निर्माण के बाद दोनों तरफ फुटपाथ और रोड डिवाइडर भी बन गए, लेकिन फुटपाथ पर अतिक्रमण होने और सड़क पर वाहनों के पार्किंग होने से यातायात बाधित रहता है। दूसरी तरफ किसान मटर नीलामी के लिए मंडी पहुँच रहे हैं। शाम ढलते ही पावर हाउस रोड पर ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली की कतारें लगने से जाम लग रहा है, जिससे दुपहिया वाहन चालक परेशान रहते हैं। वहीं क्षेत्र की यातायात व्यवस्था ध्वस्त रहती है। रतलाम प्रवास पर आए आलोट विधायक मनोज चावला ने पुलिस और जिला प्रशासन को दो अलग अलग ज्ञापन सौंपे। आलोट ताल क्षेत्र में कंजर समस्या से बना भय के माहौल पर पुलिस कप्तान के नाम ज्ञापन सौंपा। कंजरों की लूटपाट से जनता परेशान है। विधायक चावला ने बताया, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि उनके लोग क्या है और क्या नहीं हो, तब से कंजरों का आतंक भयंकर वहाँ पे बढ़ चुका है और वो लगातार ग्रामीण वासियों को परेशान कर रहे हैं। अभी खेती कल्याणी का काम लोग पाणा खेतों में कर रहे हैं, अगर वो वहाँ पे उनकी बंदी उन्होंने चालू कर रखी है, हर महीने की बंदी कंजरों को किसानों को देनी पड़ती है। अगर जो किसान बंदी नहीं देगा तो उसके यहाँ वो चोरी की वारदातें करते हैं, किसी की मोटरसाइकिल उठा लेते हैं, किसी की मोटर ले जाते हैं, इस प्रकार से काम वहाँ हो रहा है। उसके लिए हम पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए थे कि इन पर अंकुश लगाया जाए। और दूसरी बात, लगातार जो हमारा क्षेत्र है बुरा, अलोड और रतलाम जिले में जो जुआ सट्टा पूरी ताकत से चल रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी इस प्रकार का किसी प्रकार का ये काम हमारे होता नहीं था। लेकिन मैं यहाँ तक समझता हूँ, मुझे लगता है कि एक NM टैक्स वसूलने के लिए जो नरोत्तम मिश्रा जी, हो सकता है उनकी वसूली चल रही हो, ताकि उन सब थानों को बोल दिया हो कि आप अपने यहाँ जुआ सट्टा चालू कीजिए और वसूली करके हम दीजिए। इस प्रकार के काम पूरे क्षेत्र में हो रहे हैं। अब आप देख लीजिए, अवैध कारोबार शराब का हुआ, रेत का हुआ, 14 से 15 जगह जो खदाने आवंटित हुई उस खदान पे रेत ठेकेदार को काम करना है, लेकिन पूरी सब जगह पे दादागिरी से वो वसूली कर रहे हैं, उससे आम जनता के लिए जो रेत के भाव में वो बढ़ चुके हैं। दूसरा ज्ञापन कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन को सौंपा। ज्ञापन में किसानों के खातों में अब तक राशि नहीं आने से किसानों को हो रही परेशानी बताते हुए सरकार पर निशाना साधा गया है। विधायक मनोज चावला ने बताया, जो मध्य प्रदेश में 19 जिलों में सोयाबीन के मुआवजे की राशि डाली गई, उसमें रतलाम जिले को वंचित किया गया, जबकि रतलाम जिले में
हमारे किसानों की बहुत ज़्यादा फसलें ख़राब हुई थी। एक बीमारी जो पीला है मोजक है उसके कारण बहुत काफ़ी नुकसान सोयाबीन की फसल में हुआ था। और आज बड़े मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़े बेशर्मी की बात है कि वह रतलाम जिले में सब जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, हर विधानसभा कार्यक्रम कर रहे हैं, टीवी लगा दी हर पंचायतों में और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के भाषण वहाँ पे हो रहे हैं और रतलाम जिले को इससे वंचित किया गया। कितनी बेशर्मी की बात है जब तुमने उनको राशि दी नहीं और उनको तो बात सुना रहे हो, भाषण दे रहे हो उनको, बड़ी गंदी बात है। और तत्काल रतलाम जिले की जो मुआवजे की राशि हो तत्काल रतलाम जिले की मुआवजे की राशि दिलाई जाए और इसके खिलाफ हमने आज ज्ञापन दिया है। आगे भी अगर जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र राशि नहीं डालते खातों में तो हम लोग इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल कृषि कानून में 3-4 महत्वपूर्ण बातें कृषि कानून की है। आज प्रधानमंत्री जी और इनके लोग बोलते हैं, मंत्री और ये बोलते हैं कि हमने कृषि कानून किसानों के भले के लिए हम लेके आए। कौन सा किसान और कौन सा संगठन उनके पास गया था कि आप हमारा भला कीजिए और कृषि कानून लाइए? ज़बरदस्ती की बात है, केवल बड़े उद्योगपति हैं उनको फायदा दिलाने के लिए कृषि कानून लाया गया। संगठन से सत्ता तक के गुर सीखने के लिए भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन मंडल स्तर पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग 2020 का शुभारंभ शहर विधायक चैतन्य काश्यप के आतिथ्य में हुआ। प्रथम दिवस के कार्यक्रम के 5 सत्रों में से प्रथम सत्र की अध्यक्षता पूर्व जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने की। मुख्य वक्ता विजय दुबे रहे। उन्होंने भारत की मुख्य धारा, हमारी विचारधारा विषय पर विचार रखते हुए पार्टी की विचारधारा से कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया। द्वितीय सत्र की अध्यक्षता महेंद्र शर्मा ने की। इसमें मुख्य वक्ता अनिल जैन रहे। उन्होंने भाजपा एवं हमारा दायित्व विषय पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। तृतीय सत्र की अध्यक्षता जगदीश उपाध्याय ने की। इसमें मुख्य वक्ता मंदसौर भाजपा जिला महामंत्री अजय सिंह चौहान रहे। उन्होंने सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग विषय पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए सोशल मीडिया के फायदे व नुकसान के संबंध में पदाधिकारियों को बताया। चतुर्थ सत्र की इस अध्यक्षता साधना जायसवाल ने की। इसमें मुख्य वक्ता मदन लाल राठौड़ रहे। उन्होंने हमारी कार्य पद्धति व संगठन संरचना में हमारी भूमिका विषय पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। पांचवें सत्र की अध्यक्षता शांतिबाई पाटीदार ने की। इसमें मुख्य वक्ता जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे रहे। उन्होंने हमारा विचार परिवार विषय पर पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। शनिवार को सुधीर गुप्ता सांसद आत्मनिर्भरता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा विजय अटवाल भोपाल, व्यक्तित्व विकास गुमान सिंह डामोर सांसद, पिछले 6 वर्षों में हुए अंत्योदय प्रयत्न विजय अग्रवाल उज्जैन, भाजपा का इतिहास व विकास चैतन्य काश्यप विधायक ने प्रदेश भाजपा सरकार की उपलब्धियां विषय पर मार्गदर्शन दिया।